नमस्कार, आज मैं एक मिठाई रेसिपी बना रही हूँ। इसका नाम है चंद्रकला गुजिया बोलते हैं इसको। आप इसको किसी भी त्योहार में बना सकते हैं। तो आगे होली आने वाली है, तो होली में जरूर बना करके खाइए। तो इसकी प्रोसीजर हम देखेंगे क्या क्या इसका बनाने का तरीका है। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा 2 कप। कोई भी आपको तेल लेना है, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल कोई भी लेना है 2 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें और थोड़ा डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। तो इसको इन तीनों को सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे आपके हाथों में ऐसे मुट्ठी बन जाए, इस तरीके से मिक्स करना है। आप इस स्वीट को किसी भी त्योहार में बना करके खा सकते हैं। और इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी। ज्यादा पानी ना मिलाएं, क्योंकि ज्यादा पानी मिलाएंगे तो ये बहुत गीला हो जाएगा। हमें हार्ड डो चाहिए, मतलब जब भी हम कोई मैदे का मिठाई बनाएं तो डो जो है हमारा हार्ड होना चाहिए। तो जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनाना है, थोड़ा हार्ड बनाना है। उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे तेल और फ्रिज में कम से कम 1 घंटा के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं मावा बना रही हूँ। मावा बनाने के लिए मैंने इंस्टेंट मावा का यूज किया है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने लिया है दूध 1 कप और इसमें मिल्क पाउडर हम मिलाएंगे 1 कप। तो जितना आप दूध ले रहे हैं उतना ही मिल्क पाउडर ले लीजिए। और थोड़ा दूध गर्म होने के बाद इसमें मिल्क पाउडर डालें और अच्छे से इसको ऐसे लगातार चलाते हुए इसको मिक्स करें। तो एक बार मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको लगातार ही चलाना है, चलाते रहना है। अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे तो जैसे गुठलियाँ बन जाएगी और अच्छे से मिक्स नहीं होगे दूध और मिल्क पाउडर। इसमें हम डालेंगे घी। घी हमें 2 चम्मच लेना है। घी के जगह पर आप बटर ले सकते हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स करते रहें थोड़ा गाढ़ा होने तक। तो इस समय थोड़ा सा मीडियम या फिर हाई मीडियम फ्लेम रखें गैस का। तो लगातार चलाते रहना है। उसके बाद देखिए 5 मिनट के बाद थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। तो ऐसे कंसिस्टेंसी आने के बाद आप गैस को तुरंत बंद कर दें, ज़्यादा गाढ़ा ना बनाएं। ज़्यादा और थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। तो अभी जो है मावा हमारा रेडी है। तो पैन को मैंने दूसरी तरफ रख दिया है और दूसरे पैन में हम नारियल को भूनेंगे। नारियल 1 कप ले लिया है मैंने कद्दूकस किया हुआ, और इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भूनेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। मैंने इससे पहले और एक मिठाई बनाई थी, इसका भी सेम ही प्रोसेस है। थोड़ा सा इसका डिजाइन जो बनाना है ये अलग है, और ये चाशनी वाला गुजिया में बना रही हूँ। तो अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे भुना हुआ हमारा जो नारियल था उसको मैंने डाल दिया है, और गुड़ भी इसमें डाल दिया है। गुड़ को आप क्रश करके ले लीजिए। और इसमें इलायची डाल दिया है मैंने 2 कुटी हुई। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसमें डालेंगे लगभग 1/2 कप या 3 से 4 चम्मच हम डालेंगे दूध। गुड़ को जो है अच्छे से आपको कूट करके लेना है। अगर आप ऐसे साबुत वाला ले लेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने में। तो बाद में मैंने इसको क्रश कर लिया था। देखिए अभी जो है हमारा स्टफिंग भी रेडी है। आमतौर पर जो है जो मावा और सूजी से बनाते हैं, लेकिन मैंने इसमें नारियल डाला है। आप एक बार जरूर ये वाला बना करके देखिए। इसको फ्रिज में मैदा का जो गोला है फ्रिज में से मैंने निकाल के ऐसे बना लिया है, गोल गोल बना लिया है इसको। और इधर हमारा स्टफिंग भी रेडी है। अभी हम इसको छोटे छोटे
छोटे छोटे रोटियां बेलना है, मतलब ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए। अभी देखिए इतना मोटाई में रहना चाहिए। इसको हम एक कटोरी या टिफिन बॉक्स में ऐसे काट लेंगे, एक गोल आकार हो जाएगा इसका, बहुत अच्छा सुंदर शेप आएगा। तो इसी तरीके से बाकी जितना भी वो बॉल है छोटे छोटे, तो इसको हम ऐसे छोटे छोटे रोटी बना लेंगे और ऐसे शेप में काट लेंगे, तो इसका साइज सुंदर लगता है। तो इसके बाद हम स्टफिंग भरेंगे, एक रोटी लेके उसके ऊपर जो स्टफिंग है उसको गोल करके ऐसे डाल देंगे, इसके ऊपर से और एक रोटी डालेंगे। रोटी डालने से पहले हम इसके साइड साइड में लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी, ऐसे किनारे से थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से जुड़ जाता है ऐसे। तो ऐसे पानी लगा देंगे और ऊपर से और एक रोटी लगा के इस तरीके से दबा देंगे किनारे से। तो अभी हमें डिजाइन बनाना है, इस तरीके से एक उंगली से उठा के ऐसे फोल्ड करते जाना है, हमें एक राउंड फोल्ड करना है इसी हिसाब से, इसी तरीके से। ये देखिए फोल्ड करते रहे, ये लास्ट में देखिए कितना अच्छा सुंदर डिजाइन बन जाएगा। तो ऐसे जो है डिजाइन करते जाएं, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत क्रिस्पी और टेस्टी होता है। ये मैं चाशनी वाला बनाऊंगी, तो आप जरूर लास्ट तक देखिए कि चाशनी बनाने का तरीका भी। तो इसी तरीके से बाकी जितना भी है सभी मैं बना लूंगी एक एक करके। इसके इसको हम एक एक करके तेल में डाल देंगे। एक बार तेल को फुल फ्लेम में गर्म करने के बाद तेल को आप मीडियम या फिर मीडियम स्लो फ्लेम में रख करके इसको तलें। अब जल्दी जल्दी आप तल के, जल्दी जल्दी आपको इसको छान के नहीं निकालना है। लगभग 5 से 6 मिनट आपको एक बार एक बैच में टाइम लग जाएगा, 5 से 6 मिनट तक। तो आप धीरे धीरे ही तलें इसको, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम में ज़्यादा फ्लेम में एक बार तल के निकालेंगे जल्दी जल्दी, तो ऊपर से तो क्रिस्पी लग जाएगा लेकिन ये जो अंदर से है अच्छा नहीं लगेगा, अंदर से अच्छे से नहीं पकता है। इसीलिए आपको मीडियम या फिर स्लो फ्लेम में ही मतलब तलना है। तो अभी 5 से 6 मिनट हो गया है और मैं अभी निकाल रही हूँ इन सभी को। खास करके बच्चे को बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। आमतौर पर जो है सूजी और मावा का बनाते हैं स्टफिंग, लेकिन मैंने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो नारियल और मावा का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाशनी। चाशनी के लिए आपको जितना आपको पानी लेंगे, 1 कप पानी के लिए 1 कप चीनी चाहिए, मतलब आप आधा केजी पानी लेंगे तो आधा केजी चीनी लेना है। और इसमें मैंने डाल दिया है एक इलायची और थोड़ा सा हाफ चम्मच जैसा नींबू का रस। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे केसर। केसर सब जो है इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है और कलर भी आएगा, तो इसीलिए केसर डाला जाता है। अगर केसर अवेलेबल नहीं है तो ना डालें, तो थोड़ा सा चिपचिप हो जाए, ज़्यादा गाढ़ा करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चिपचिप करने के बाद उसमें हम चाशनी हमारा तैयार हो गया है। अभी हमारा तला हुआ जो गुजिया था इसको हम इसमें डाल देंगे एक एक करते हुए, और इसको हम तुरंत इसको डाल के निकाल देना है। ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे चाशनी में, ऐसे एक एक करके डीप करके तुरंत निकाल देना है। अगर ज्यादा देर तक रखेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको सभी को ऐसे ही निकाल लेंगे। चाहे बच्चे हो या बड़े, हर किसी को ये वाला मिठाई पसंद आएगा। जरूर एक बार बना करके देखिए, किसी भी त्योहार में आप बना सकते हैं, होली हो, दिवाली हो, या फिर और ऐसे भी बिना त्योहार कभी आप बना करके खा सकते हैं। ऊपर से हम इसमें बादाम और पिस्ता का कतरन जो है इससे सजा देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और आपका गुजिया कैसा बना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।